महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल फिजियोथेरेपी सेंटर ज्वालामुखी फिजियोथेरेपी से लोगों के मर्ज दूर कर रहा है। सेंटर में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। इस दौरान यहां विशेष बच्चों के साथ केक काट कर ये दिवस मनाया गया। सेंटर में इन विशेष बच्चों के लिए कई अहम जानकारियां डॉक्टर नीतिका के द्वारा दी गई। नीतिका ने बताया कि उनके सेंटर में बच्चों के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, साथ ही उनका इलाज भी निःशुल्क किया जाता है। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि इन बच्चों के लिए समाज आगे आए। डॉक्टर नीतिका ने बताया कि शहर में लोग पहले जहां फिजियोथेरेपी से बिल्कुल अनजान थे, वहीं आज शहर में लोग इसकी जरूरत के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं। किसी दर्द का फिजियोथेरेपी से आसानी से इलाज हो जाता है, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि ये थेरेपी कोई भी कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक विशेषज्ञ के पास ही इसका इलाज करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बदलती जीवन शैली के चलते लोगों में कंधे का दर्द, स्लिप डिस्क, पीठ व घुटनों का दर्द जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के अनुसार पिछले कुछ सालों में इस तरह के मामलों में लगातार बढ़ोतरी भी हुई है। डॉक्टर नीतिका चौधरी ने बताया कि अपने व्यस्त दैनिक जीवन में भी कुछ छोटी बातों का ख्याल रखें तो इस तरह की समस्याओं से दूर रह सकते हैं। जैसे सुबह पलंग से उठते ही कमर की एक्सरसाइज करें और जब आप बैठे हों तो घुटनों की एक्सरसाइज भी करते रहें। इस बातों का ख्याल रखने से आप कई तरह की समस्याओं से दूर रह सकते हैं। राजकीय महाविद्यालय ज्वाला जी ने वेट लिफ्टिंग में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में कुल 7 पदक जीतकर राज्य भर में अपना लोहा मनवाया है और ओवरऑल ट्रॉफी पर अपना कब्जा किया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन इस बार गौतम गर्ल्स कॉलेज हमीरपुर में 4-5 सितम्बर को किया गया था। इस प्रतियोगिता में महाविद्यालय के छात्र तरुण हिमांशु, अमित कुमार ने स्वर्ण जीते और अमन कुमार ने रजत जीता व रजनीश, बुद्धि सिंह, मुनीश कुमार ने अपने अपने भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। महाविद्यालय पहुंचने पर महाविद्यालय प्रशासन ने इनका भव्य स्वागत किया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अजय सिंह बनियाल ने विजेता व सहायक आचार्य शारीरिक शिक्षा डॉक्टर पवन पटियाल को बधाई दी। इस अवसर पर प्रोफेसर नीलम शर्मा, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर जसपाल सिंह राणा, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह व अमित कुमार भी मौजूद रहे। ज्वालाजी कॉलेज के प्रिंसिपल अजय सिंह पटियाल ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय की टीम ने हिमाचल प्रदेश महाविद्यालय में 7 पदक जीतकर हिमाचल प्रदेश में अपना परचम लहराया है। इसके लिए महाविद्यालय ज्वालामुखी के पूरी टीम बधाई की पात्र है। वहीं कोच डॉक्टर पवन पटियाल ने राजकीय महाविद्यालय ज्वालामुखी के वेटलिफ्टिंग में ओवरऑल विजेता रहने पर सभी को बधाई दी और इसे छात्रों की कड़ी मेहनत करार दिया। जिला कांगड़ा का 17वां और पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में दूसरा जनमंच राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंडबाड़ी के खेल मैदान में आयोजित किया गया। जनमंच में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने शिरकत की। जनमंच में पालमपुर विधानसभा क्षेत्र की 13 पंचायतों के लोगों ने भाग लिया। इन जनमंच कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाली 13 पंचायतों के लोगों ने 192 प्रार्थना पत्र दिए हुए थे, जिनमें से कुछ लोगों की मांगे भी थी जिन्हें बजट प्रावधान के लिए सरकार को भेज दिया गया है। तथा बाकी का मौके पर ही निपटारा संबंधित विभागों द्वारा किया गया। इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने अधिकारियों से कहा कि लोगों की समस्याओं और शिकायतों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाएं और सकारात्मक तरीके से इनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। कार्यक्रम में ये भी अवगत करवाया गया कि जनमंच से पूर्व की अवधि में लोगों से 247 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से
की समस्याएं व 226 लोगों की मांगे थी। मांगों के समाधान के लिए प्रदेश सरकार को पत्र भेज दिया गया और शेष समस्याओं का निपटारा जनमंच दिवस से पूर्व ही कर लिया गया था। इस मौके पर स्वास्थ्य एवं आयुर्वेदिक विभाग द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन भी किया गया था, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य संबंधित जांच निशुल्क की गई और निशुल्क की दवाइयां भी वितरित की गई। कार्यक्रम में विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी।